नमस्कार दोस्तों, सिंगल और यूनिक प्लेटफॉर्म की इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 28 सितंबर 2018 और 28 सितंबर 2018 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म टीम वेलकम्स यू इन दिस करंट अफेयर शो। टुडे इज 28 सितंबर 2018 एंड वी विल डिस्कस द करंट इवेंट्स इन दिस करंट अफेयर शो। प्लीज़ share and subscribe our channel and press the bell icon for more education related videos. So first of all, let's have a look on the history. On this day in the year 1907, an Indian nationalist considered to be one of the most influential revolutionaries of the Indian independence movement, Bhagat Singh was born. आइए अब नजर डालते हैं इतिहास के कुछ पन्नों पर। आज ही के दिन सन 1907 में नौजवानों के लिए अपनी जिंदगी को मिसाल बनाने वाले भगत सिंह का जन्म हुआ था। टुडे इज ऑल्सो द वर्ल्ड रैबीज डे। इट इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग रैबीज अमंग पीपल एंड टुडे इज ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लुईस पाश्चर अ फ्रेंच केमिस्ट। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर्स। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Which section of the IPC, Indian Penal Code, has been unanimously struck down by the Supreme Court? And the section which has been unanimously struck down is Section 497 of IPC. It was a law which is in presence from last 150 years. It makes adultery a punishable offense for men. But from now on, adultery will not be a crime. व्यभिचार को अपराध मानने वाली कौन सी धारा को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है? और यह धारा है धारा 497 IPC। सुप्रीम कोर्ट ने 158 साल पुरानी धारा को अब खत्म कर दिया है। अब से व्यभिचार एक क्राइम यानी अपराध नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू, हु विल हेड द 8 members कमिटी constituted to recommend the chairperson and members of anti-corruption ombudsman Lokpal, and the person who will head this committee is Justice Ranjana Prakash Desai. Lokpal के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई 8 सदस्यीय सर्च कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? और यह अध्यक्षता की जाएगी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई द्वारा। Now let's discuss question number 3. In a bid to increase women participation, which state government has approved to appoint firewomen? And the state government which has approved firewomen is Kerala. 100 posts will be created for firewomen in the state Kerala. Now let me give you the basic information about Kerala. Capital of Kerala is Thiruvananthapuram. CM is Pinarayi Vijayan. And the governor is P. Sathasivam. Now let's discuss the same question in Hindi. महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कौन से राज्य ने फायर वुमेन भर्ती करने के लिए अपनी मंजूरी दी है? और ये मंजूरी दी गई है केरल राज्य द्वारा। इसमें 100 पदों पर भर्ती की जाएगी जो फायर वुमेन के लिए होगी। आप देख सकते हैं केरल राज्य भारत के मानचित्र पर जो लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। अब मैं आपको केरल के बारे में सामान्य ज्ञान बताना चाहता हूँ। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं पी सदाशिवम। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय UN, that is United Nations, and the person who has been conferred with this award is Shri Narendra Modi. He is our Prime Minister and he has been awarded this for his unprecedented pledge to eliminate all single-use plastic in India by 2020 and championing the use of solar energy. किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और ये सम्मानित किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत से इन्होंने एक ही बार में उपयोग होने वाली प्लास्टिक को
2020 तक खत्म करने की प्रतिज्ञा की है. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट विल बी द चेंज नेम फॉर ट्राई, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. द चेंज नेम विल बी डिजिटल कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. टेलीकॉम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज मनोज सिन्हा. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका नाम बदलकर कर दिया गया है भारतीय डिजिटल संचार विनियामक प्राधिकरण. हमारे देश के दूर संचार मंत्री हैं मनोज सिन्हा. विच कंट्री हैज गॉट द बिगेस्ट लोन इन IMF's हिस्ट्री, एंड द कंट्री विच हैज गॉट बिगेस्ट लोन इज अर्जेंटीना. IMF has sanctioned a loan of 57.1 billion US dollars. Now let me give you the basic information about Argentina. Capital of Argentina is Buenos Aires. Currency is peso. And the president of Argentina is Mauricio Macri. Now let's discuss the same question in Hindi. वह कौन सा देश है जिसको IMF के इतिहास का सबसे बड़ा ऋण लोन दिया गया है, और इस देश का नाम है अर्जेंटीना. यह विश्व का मानचित्र है जिस पर आप हरे रंग से प्रदर्शित अर्जेंटीना का नक्शा देख सकते हैं. अर्जेंटीना को 57.1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया गया है. अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस एयर्स है. और अर्जेंटीना की मुद्रा है पीसो. अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं मॉरिसियो मैक्री. नाउ लेट मी गिव यू द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट IMF आल्सो. IMF की MD मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीन लगार्ड. हेडक्वार्टर IMF का है Washington DC, जो कि अमेरिका में है. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. What is the theme of the World Tourism Day celebrated on 27 September 2018? And the theme of this day is Tourism and Digital Transformation. And this year's World Tourism Day was hosted by country Hungary. So let me give you the basic information about Hungary. Capital of Hungary is Budapest. Currency is forint. And the Prime Minister of Hungary is Viktor Orban. Now let's discuss the same question in Hindi. 17 सितंबर 2018 को मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस का विषय क्या है? और इसका विषय है पर्यटन और डिजिटल परिवर्तन. इस बार इसकी मेजबानी हंगरी देश के द्वारा की गई है. हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और हंगरी की मुद्रा है फॉरिंट. हंगरी के प्रधानमंत्री हैं विक्टर और ऑर्बन. नाउ लेट मी शो यू द हंगरी ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड. हंगरी देश आप देख सकते हैं विश्व के मानचित्र पर, जो ज़्यादा गहरे रंग से प्रदर्शित किया गया है. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एंड द नेम ऑफ दिस मिसाइल इज अस्त्र. चीफ ऑफ एयर स्टाफ इज बीरेंद्र सिंह धनाव, दैट इज BS धनाव. क्वेश्चन नंबर 8 नाउ इन हिंदी. हवा से हवा में मार करने वाली भारत में निर्मित मिसाइल का क्या नाम है? इसका नाम है अस्त्र. वायुसेना के प्रमुख हैं BS धनाव. नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स. खेल की दुनिया से कुछ प्रश्न. विच कंट्री विल होस्ट यूरो कप 2024, एंड इट विल बी होस्टेड बाय जर्मनी. यूरो कप 2024 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? और ये सौंपी गई है जर्मनी देश को. क्वेश्चन नंबर 10. विच कंट्रीज विल प्ले द फाइनल्स ऑफ एशिया कप क्रिकेट 2018, एंड इट विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. एशिया कप क्रिकेट 2018 का फाइनल किन दो देशों के बीच खेला जाएगा? यह खेला जाएगा भारत बनाम बांग्लादेश UAE में, United Arab Emirates में. That's all in this current affairs show. Thanks for watching it. Please do share and subscribe our channel. Thank you. धन्यवाद.